राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली, चलिए ना आज सर्दियों का एक खास अचार बनाते हैं। इस अचार का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है क्योंकि मेरा और मेरी भांजी का और मेरे पापा जी का ये अचार फेवरेट है, ठीक है ना। और सर्दियों का सीज़न चल रहा है और सब्जियों की तो भरमार है मार्केट में, मनपसंद सब्जी बहुत मिलती है। तो सब्जी बना के खाओ, चाहे पराठे बना के खाओ या फिर अचार बना के खाओ, खा लेना चाहिए मेरी माने तो। यहाँ पर मैंने जो ये 5, 6, 7 सब्जियाँ ली है ना, मैंने गिनती भी नहीं की थी, जो मेरे पास सब्जियाँ थी मैंने सारी ले ली थी। इनमें से कुछ सब्जियाँ हमारे खेत में भी हुई हुई है, आप जानते हैं ना। तो यहाँ पर जो सब्जियाँ थी ना, इनको काटने में टाइम लगता है, इसलिए मैंने पहले से इनको कट कर लिया है। थोड़ी सी ही चीज़ें छोड़ी है जिनको मैं यहाँ पर कट करके दिखाऊँगी। ये है जो अचार की मोटे वाली मिर्च होती है, इनके बीज निकाल के कट कर लिया है। ये मैंने थोड़ा सा अदरक ले लिया है, करीब 50 ग्राम के जितना, ठीक है ना। ये मैंने मूली काट लिया, ये तो हमारे खेत की ही मूली है, बहुत स्वादिष्ट है, खाने में बड़ी अच्छी लगती है, अचार बहुत अच्छा लगता है इनका। ये मैंने गाजर ले ली है, सब्जी के लिए गाजर आई थी ना, तो उन्हीं में से मैंने एक गाजर बचा ली थी। यहाँ पर ये मैंने तीखे वाली हरी मिर्च ले ली है, साथ में मैंने गोभी भी ले ली है। करीब पौ भर के जितना फूल होगा ये, मतलब आधा किलो के जितना फूल लिया था, उसमें से आधी सब्जी बना ली, आधी अचार के लिए रख ली। यहाँ पर ये मैंने कुछ मटर भी ले ली है, ठीक है ना। तो सब्जियाँ मैंने थोड़ी थोड़ी ली है, लेकिन ये जब अचार में एक जगह जाएगी ना, तो इनसे बहुत सारा अचार बन जाएगा, करीब 1 किलो के जितना। अब ये जो हरी मिर्च है, इनको हम काट लेते हैं। इन सारी सब्जियों को मैंने धोने के बाद, इन सारी सब्जियों को मैंने काटने के बाद धो लिया था, और इनका ना अच्छे से मॉइस्चर भी सुखा लिया है। अदरक मैं यहाँ पर कम ही डालूंगी, क्योंकि बच्चे अदरक खाना पसंद नहीं करते हैं ना, तो बस अपने लिए डाल देती हूँ, नहीं तो फिर वो निकाल निकाल के मुझे ही देते रहते हैं। चलिए इसको भी काट लिया है। अचार की जो मतलब सब्जियाँ है ना यहाँ पे, ये आप अपने हिसाब से या फिर अपनी पसंद के हिसाब से ना काट सकते हैं, चाहे छोटी छोटी या फिर इससे बड़ी बड़ी। चलिए सभी सब्जियाँ तैयार हो चुकी है, एक बाउल लेके आ गई हूँ। अब बारी आती है अचार को चराने की। पहले इसको अच्छे से साफ कर लेते हैं। अचार को जितना हाइजीनिक तरीके से बनाया जाता है ना, उतना ही अच्छा रहता है, उतनी ही इसकी सेल्फ लाइफ ज़्यादा रहती है, ठीक है ना। तो ना तो ये बाउल हमारी गीली रहनी चाहिए और ना ही गंदी रहनी चाहिए, इसीलिए मैंने इसको सूखे साफ कपड़े से साफ कर लिया है। सारी की सारी सब्जियाँ यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है ना। तो जो मटर है ना, इसको भी डाल देते हैं। अब मैं ये अचार बना तो रही हूँ, यकीन मानिए मुझे इंतज़ार नहीं हो रहा है, मेरा मन कर रहा है कि फटाफट से बन जाए और ये मेरे ना मतलब प्लेट में आ जाए खाने के लिए। मुझे बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है अचार खाना, मुझे सब्जियों में मतलब खाने के साथ अचार खाना मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद अपनी मसालेदानी में से करीब 2 छोटा चम्मच के जितना नमक डाल देते हैं, 1 छोटा चम्मच के जितना हल्दी डाल देते हैं, और इस तरीके से इनको उछालते हुए सब्जियों को मिक्स कर देते हैं, ताकि हर एक सब्जी पे हल्दी और नमक की अच्छी सी कोटिंग हो सके। अब हम ये जो प्रोसेस कर रहे हैं ना, ये चराने वाला प्रोसेस है, यानी कि मैरिनेट करने वाला, ठीक है। अब इसको कवर कर देते हैं और ज़रा साइड में को छोड़ देते हैं, कोई अच्छी सी जगह जहाँ पे याद रहे। तो मेरे लिए मेरे किचन काउंटर से अच्छी जगह और कुछ होती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेरी 24 घंटे नज़र रहती है। हो सकता है घर के किसी कोने में मैं इसको रख दूँ और मैं भूल जाऊँ। चलिए अगला दिन हो चुका है और मैं कपड़े बदल के आ चुकी हूँ। मतलब कि बात ये है कि मैंने इसको कल दोपहर में चराया था, और आज जब मैं आई हूँ ना, मतलब लगभग में ऐसा हो रहा है कोई 9:30 बजे का टाइम, ठीक है ना। तो ऐसा मान सकते हो आप इसको कि मैंने इसको 20 से 22 घंटे के लिए चरा दिया है, बहुत अच्छे से चराया गया है, और देखिए कलर कितना अच्छा आ रहा है। जितने भी सब्जियों में मॉइस्चर था ना, जिसकी वजह से अचार ख़राब होता है, वो सारा का सारा निकल चुका है। आज मुझे डॉक्टर के यहाँ भी जाना है, और काम की थोड़ी ना जल्दी हो रही है। अब आप बोलोगे आपको तो हमेशा ही काम की जल्दी रहती है, हाउसवाइफ को तो जल्दी तो रहती है ना। ऊपर आ गई हूँ, करीब 10 बज रहे हैं और मुझे 11 बजे जाना है डॉक्टर के यहाँ पे। एक कट्टा उठा के लेके आ गई थी जल्दबाजी में ना, हाथों में यही लगा था, तो इसको ना धूप में फैला देती हूँ। इस अचार को ना करीब हमें 4 घंटे की धूप लगानी है। अब जैसे सर्दियाँ चल रही है ना, तो जो धूप है ना इतनी कैड़ी नहीं निकलती है, मतलब इतनी तेज़ नहीं लगती है, मीठी मीठी ही धूप रहती है,
तो मीठी मीठी धूप अगर है तो 4 घंटे की धूप ना बहुत हो जाती है, और अगर मतलब ज़्यादा कैड़ी सी धूप निकल रही है, तेज़ धूप है, 1 घंटे की धूप ही काम कर जाएगी। और अगर आपके पास धूप का प्रबंध ही नहीं है तब आप इसे पंखे के नीचे करीब ना 2 घंटे के लिए फैला दें, तो बस उसी में इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा। कहने का मतलब तो ये है कि इसका ना मॉइस्चर ख़त्म हो जाना चाहिए। 1/2 घंटे के बाद मैं फिर से आ गई उसको एक बार हिलाने डुलाने के लिए, क्योंकि अब मैं चलने वाली हूँ डॉक्टर के यहाँ पे, फिर मुझे टाइम नहीं लगेगा। वहाँ से आने के बाद भी तो अपना काम करना पड़ता है ना, घर वगैरह का, तो एक बार मैं इसमें हाथ निकाल रही हूँ। वैसे तो ना अचार बस तैयार से होने वाला है, अच्छी धूप भी निकल चुकी है, तो चलिए इसमें मैंने एक बार फिर से हाथ निकाल दिया है और अब मैं डॉक्टर के यहाँ पे जाती हूँ। चलिए अब हो चुकी है शाम और मैं डॉक्टर के यहाँ से भी आ चुकी हूँ। शाम के खाने की तैयारी कर रही थी और करीब ना 4 बज रहे हैं। चलिए पहले ना मसाला बनाते हैं। गैस को ऑन कर दिया है यहाँ पे। हम इस छोटी सी कढ़ाई में डाल देते हैं 1 बढ़िया सी चम्मच भरकर पीले वाली सरसों या फिर पीले वाली राई, साथ में 1 बढ़िया सी चम्मच डालेंगे काले वाली सरसों। इसकी जगह आप राई भी डाल सकते हैं। राई से ना अचार में ज़्यादा खटासपन आ जाता है, इसलिए मैं सरसों का इस्तेमाल ज़्यादा करती हूँ। अचार भी ज़्यादा टेस्टी लगता है ना। चलिए इसको करीब 1/2 मिनट के लिए हल्का सा गैस का फ्लेम लो करके भून लेते हैं। मतलब भूनना नहीं है, केवल मसालों का ना हमें मॉइस्चर ही सुखाना है। मसाले में यहाँ पर अलग अलग ही सुखा रही हूँ और अलग अलग ही हम इनको कूट पीस के तैयार करेंगे। वापस से कढ़ाई रख दी है, इसमें डाल देते हैं 1 छोटा चम्मच के जितना सौंफ, 1 छोटा चम्मच के जितना जीरा, 1 काले वाली जो बड़ी इलायची होती है वो डाल दी है, 4-5 लौंग डाल दी है, और थोड़ा सा हमने यहाँ पर अजवाइन को डाल दिया है, ठीक है ना। और थोड़ा सा दाना हम यहाँ पर मेथी का डालेंगे, मतलब करीब 1/4 चम्मच के जितना मेथी दाना ना कम ही रखेंगे, नहीं तो अचार में क्या होगा, एक कड़वाट सा आ जाएगा। इनको भी करीब 1/2 मिनट के लिए हल्का सा मॉइस्चर सुखाने तक भून लेते हैं। चाहे तो आप इस मसाले को ना धूप में भी सुखा सकते हैं। आपको तो पता है ना मैं अचार फैला के डॉक्टर के यहाँ पे चली गई थी, तो मुझे टाइम नहीं मिला, नहीं तो मैं मसाले ना धूप में सुखाना ज़्यादा पसंद करती हूँ, एकदम हाइजीनिक और बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से। चलिए मसालों को मैंने अलग अलग ही निकाल लिया है, वापस से कढ़ाई रख दी है, और अब इसमें डालते हैं हम धनिया। धनिया तो मैंने ऐसे ही पलट दिया है, अगर मेजरमेंट बताऊँ तो करीब 2 बड़े चम्मच के जितना धनिया होगा। मतलब मसालों में ना सबसे ज़्यादा धनिया ही जाता है अचार में, मैं तो डालती हूँ, और इसी से अचार ना बहुत टेस्टी लगता है। ये अचार मुझे, मेरे भांजी को, मेरे पापा जी को ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैं तो फिर भी खाने के साथ ही खाती हूँ। जो मेरी भांजी है ना वो तो कटोरे भर भर के खाती है, उसे पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। और सर्दी आते के साथ ही बोल देती है ओके मौसी अचार बना दो, ठीक है ना। चलिए देगी मिर्च मैंने आपको दिखा दिया और तेल का डब्बा लेके आ गई हूँ। अचार हमेशा सरसों के तेल में ही बनाना चाहिए, न कि रिफाइंड ऑयल में या फिर किसी और ऑयल में, ठीक है ना। यहाँ पर आज मेरा तेल भी ख़त्म हो चुका है, कोई बात नहीं, दुकान पे से लेके आ जाएंगे, हो जाने दो, ख़त्म होएगा तभी तो आएगा। चलिए इस तेल को ना अच्छा सा खोला लेना है, जब तक इसमें अच्छा सा धुआं नहीं उठ जाता है। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, गैस ऑफ कर देते हैं और तेल का हल्का सा ठंडा होने का इंतज़ार करते हैं, जब तक हम अपने मसाले पीस लेते हैं, क्योंकि लाइट आ चुकी है। लाइट का बहुत बड़ा इशू होता है गांव में, जब भी मैं काम करने लग जाती हूँ तो लाइट नहीं आतो लगती है, जिसकी वजह से ना मेरा काम भी डिले हो जाता है। ये जो हमने यहाँ पर थोड़े से मसाले जो हमने जैसे सौंफ वगैरह अजवाइन वगैरह भुनी थी ना उसको यहाँ पर डाल देते हैं। उसके बाद थोड़े थोड़े से अपने मसाला दानी में से जैसे हल्दी है, नमक है, लाल मिर्च पाउडर है, वो डाल देंगे। उसके बाद अचार में बहुत अच्छा सा कलर लाने के लिए डालेंगे हम देगी मिर्च या फिर काश्मीरी मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। करीब 1 छोटा चम्मच के जितना मैंने हींग डाल दिया है, और इन मसालों को तो हम बढ़िया सा बारीक करके पीस लेते हैं, ठीक है ना। तो ये लीजिए अच्छे से मसाले पीस चुके हैं। ये मसाला आप ना सब्जी में भी डाल सकते हो, बहुत टेस्टी लगता है। मतलब ये किसी चीज़ के पराठे बना रहे हो या फिर कोई बिरयानी पुलाव बना रहे हो तब भी डाल सकते हैं, बहुत टेस्टी बनेगा, बना के देखना। मुझसे यहाँ पे जो मसाला बचा था ना मैंने ना वो सब्जियों में यूज़ किया है और सब्जी का स्वाद ही अलग था। उसके बाद जो हमने सरसों भुनी थी और जो हमने धनिया भुना था उसको इस जार में डाल दिया है। इसको हमें दरदरा कूटना है, मतलब जो हमारी सरसों वगैरह है ना वो अच्छे से एकदम पीस जानी नहीं चाहिए, मतलब हल्की सी ना दरदरी सी रहनी चाहिए, तभी अचार में ज़्यादा मज़ा आता है खाने में। तो चलिए यहाँ पर मसाले भी तैयार है और जो हमारा अचार था ना वो भी सूख चुका है। मेरे हिसाब से तो मेरा अचार ना करीब 1/2-1 घंटा फालतू ही सूख गया है, मुझे इससे कम चाहिए था, पर
क्या करूँ, मैं घर पे थी नहीं ना, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गए, लेकिन अभी भी बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा सूख रहा है। ये जो अचार है हल्का सा तेल जब गर्म रहेगा ना तभी डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर ये मसाले डालेंगे, 4 चम्मच के जितना हम डालेंगे सरसों और धनिया वाला ये दरदरा सा कुटा हुआ पाउडर, थोड़ा सा मैंने बचा लिया है। उसके बाद ये जो बारीक वाला हमने मसाला पीसा था 3-4 चम्मच के जितना ये डाल देंगे। अब मसाले का यहाँ पे कोई बड़ा इशू नहीं है, अगर आप चाहे तो सारा भी डाल सकते हैं, आप चाहे तो इससे कम भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने थोड़ा थोड़ा सा मसाला बचा लिया है। मैं सोच रही थी कि मैं दूसरा अचार बनाऊंगी, लेकिन दूसरा अचार नहीं बना पाई मैं, फिर वो मुझे सब्जियों में इस्तेमाल करना पड़ा। चलिए इसको ना अच्छे से मिक्स कर दिया है। चलिए अब बारी आती है इसको स्टोर करने की। स्टोर करने के लिए एक नया और एकदम बेहतरीन तरीका बताती हूँ। ये दिया देख रहे हैं ना, तो ये दिया लेके आई हूँ। गैस को ऑन करके रख देते हैं, हल्का सा गर्म कर लेते हैं। और ये जो कांच का जार है ना, इसको मैंने दिन में ही धो के और धूप में रख के चली गई थी, अच्छे से सूख रहा है, फिर भी मैंने इसको सूखे कपड़े से अच्छे से साफ कर लिया और सुखा लिया है। अचार की बात है, ख़राब नहीं होने देना है ना। चलिए जैसे ये दिया गर्म हुआ है ना, इसमें एक मिर्च जो सूखी लाल मिर्च होती है और थोड़े से सरसों के दाने डाल दिए हैं, ठीक है। जब दिया अच्छे से गर्म हो जाएगा और बस थोड़ा सा ही घी डाल देते हैं, और इससे क्या करना है, डब्बे में तड़का लगाना है। ये देखिए, तो जितना धुआं इस डब्बे के अंदर जाएगा ना, उतनी ही अचार में खुशबू बढ़ेगी, साथ में ना इसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ेगी, यकीन मानिए। ओए हाय, मैंने इसको सूंघ के देख लिया, 10 का लग गया। चलिए ये जो हमारा इसमें तड़का बचा ना, उस सब्जी में भी डाल सकते हैं। अब अचार को स्टोर करना शुरू करते हैं। दिख रहा है ना, अभी आपके सामने मैंने अचार को बनाया है, और अचार का आप रंग देखिए, देखते कि साथ ही मुँह में पानी आ जाए। जिसका रोटी खाने का मन ना हो ना, वो भी इसको खा ले। और ये मैंने अपने लिए निकाल लिया है एक प्लेट में, क्योंकि शाम में जो खाना खाऊंगी ना, तो इसी अचार को खाऊंगी। अब ये जो मैं अचार दिखा रही हूँ ना आपको, करीब 2 दिन के बाद दिखा रही हूँ, मैंने सोचा चलिए दिखाई देती हूँ, ठीक है ना। और ये मेरा बेटा है, लाइट लेके घूम रहा है, कभी इधर करता है कभी उधर करता है, तो उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। तैयार है अचार।